नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट में RGBB की सर्विसेज में एक नया वीडियो ऐड करने जा रहा हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विद्यालय से, अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ, चाहे BA, BTEC, MTEC या कोई भी अन्य कोर्स आपने RGBB से किया हो, तो उसकी मार्कशीट में आप किस तरह से करेक्शन करवा सकते हैं। करेक्शन चाहे जो भी हो, आपका नाम हो, आपका फादर नेम हो या मदर्स नेम हो, सभी में करेक्शन के लिए किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उसके लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और कितनी उसकी फ़ीस होगी। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट और एक शपथ पत्र आपको बनवाना होगा 10 रुपये के स्टाम्प में, जिसमें सारी जानकारी आपको डालना होगा कि आप क्यों करेक्शन कराना चाहते हैं और किस तरह करेक्शन आप किस किस मार्कशीट में करवाना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपकी सारी मार्कशीट जिनमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं, वो सारी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड की जाएंगी। उसके अलावा जो आपने एडमिशन स्लिप आपकी होगी, जब आपने एडमिशन लिया होगा तो उस समय आपको काउंसलिंग स्लिप या एडमिशन स्लिप मिली होगी, तो उसकी एक कॉपी भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। और फीस की यहाँ पर हम बात कर लें तो इसमें आपको 350 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और RGBB के स्टूडेंट्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी RGBB से संबंधित वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं RGBB की वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पर लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन आपको यहाँ से कर लेना है, जो आपका एनरोलमेंट नंबर और जो पासवर्ड होगा, जिस तरह से आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उसी तरह से आपको इसको लॉगिन कर लेना है। अपनी लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद साइन इन पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए, ये आपका पोर्टल यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट कॉर्नर मिलेगा, स्टूडेंट सर्विसेज, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो सारी सर्विसेज ओपन होकर आ जाएंगी। स्क्रॉल कर आप नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आपको देखने मिल जाएगा मार्कशीट करेक्शन का ऑप्शन, अप्लाई फॉर नेम करेक्शंस, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, सबसे लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके जो करेक्शन वाला एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर एक फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है। अब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेम करेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि हम नेम करेक्शन करना चाह रहे हैं। तो नेम करेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो देखिए, सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंट है। यहाँ पर अपना एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं, जिस एड्रेस पर आप मार्कशीट मंगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको क्या करेक्शन करवाना है, आपका नेम करेक्शन कराना है, फादर्स नेम या मदर्स नेम, तो जो भी आपको करेक्शन कराना है उस पर आप चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको एज़ पर मार्कशीट यहाँ पर आपको नाम डालना है, जैसे अपना नाम आप मार्कशीट में भी डला हुआ है, जो वो नाम यहाँ पर आप डालेंगे, उसी तरह से फादर्स नेम और उसी तरह से मदर्स नेम यहाँ पर आप डालेंगे अगर करेक्शन कराना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है करेक्टेड नेम एज़ पर मार्कशीट HSC और HSSC, मतलब यहाँ पर आपको अपनी 10वीं या 12वीं के अनुसार यहाँ पर नाम डाल देना है, जो आपका सही नाम है, जो नाम आप इसकी मार्कशीट पर चाहते हैं, तो वो नाम यहाँ पर आप प्रिंट कर देंगे। और उसी तरह से आपको फादर्स नेम और मदर्स नेम में करना होगा। फिलहाल यहाँ केवल हम नेम करेक्शन कर रहे हैं एप्लीकेंट का। तो नाम डालने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल कर आप नीचे आएंगे तो अब ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि किस मार्कशीट में आप करेक्शन कराना चाहते हैं, मतलब किस सेमेस्टर या किस ईयर की मार्कशीट में आप करेक्शन करवाना चाहते हैं। तो जिस भी ईयर या सेमेस्टर की मार्कशीट में आप करेक्शन करवाना चाहते हैं उसके आगे चेकबॉक्स पर आप टिक कर देंगे। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा भी मार्कशीट में करेक्शन करवा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में किया हुआ है। आप भी जिन सेमेस्टर में यहाँ पर करेक्शन करवाना चाहते हैं उस पर चेकबॉक्स पर आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर जिस मार्कशीट में आप करेक्शन करवाना चाह रहे हैं, वहाँ देखिए साइड में अपलोड करने का ऑप्शन आने लगा है, तो यहाँ पर आपको वो मार्कशीट अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे कि पास वाली मार्कशीट ही आपको अपलोड करनी है, तो वो सारी मार्कशीट जिनमें आप करेक्शन करवाना चाहते हैं उसको यहाँ से आप अपलोड कर देंगे।
मार्कशीट हमने पहले से स्कैन करके रखी हुई है, वो मार्कशीट यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर रहे हैं वो आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको हाई DPI में भी स्कैन कर सकते हैं आराम से, आपका PDF 1 MB या 2 MB तक अच्छी फाइल आपका क्रिएट यहाँ पर कर देगा। तो डॉक्यूमेंट आप क्लियर स्कैन करें, काफ़ी इनफ साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो तीनों मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो मार्कशीट आपने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है वो सारी मार्कशीट आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा होने के कारण टाइम लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी मार्कशीट अपलोड हो चुकी हैं। अब हम आगे की डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे तो स्क्रॉल कर आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। उनका साइज़ भी वही रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको 10 रुपये का स्टाम्प लीगल पेपर यहाँ पर अपलोड करना होगा। एक शपथ पत्र जो मैंने आपको बताया वो शपथ पत्र बनवा कर उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट जो कि अटेस्टेड फोटोकॉपी होना चाहिए और 12वीं की मार्कशीट उसकी भी अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, उसी को आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। और लास्ट यहाँ पर आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एडमिशन स्लिप ऑफ काउंसलिंग, तो जो आपको मैंने बताया था एडमिशन स्लिप उसको भी यहाँ पर आपको स्कैन करके अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोडिंग का साइज़ यहाँ पर भी 4 MB मैक्सिमम अलाउड है। उसके अलावा इसका जो फॉर्मेट है वो PDF फॉर्मेट होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर अपलोड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि PDF का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट एक साथ अपलोड हो रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ये वेट करना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारे सारे अपलोड हो चुके हैं, सारा फॉर्म हमने यहाँ पर फिलअप कर लिया है। आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ राइट साइड में एक ग्रीन फाइल का नाम आ चुका है, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है, बिल डेस्क, डेबिट कार्ड या जिस भी बैंक से आप करना चाहते हैं अदर नेट बैंकिंग। तो जैसे हमने बिल डेस्क यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और गो फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो किसी भी माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा पेमेंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर डालकर इसका पेमेंट हम कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद देखिए हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। और पेमेंट के बाद देखिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस लिख के आ गया, मतलब इसने बाहर फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका। अब दोबारा से इसके होम पेज पर जाकर और स्टूडेंट लॉगिन में जाके इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इसका जो एक्नॉलेजमेंट है जो स्लिप है आप वहाँ से अंदर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लॉगिन कर लेते हैं एक बार फिर से। ऐसा अक्सर कर होता है RGPP में कि पेमेंट करने के बाद इसका एक्नॉलेजमेंट तुरंत जनरेट नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लॉगिन करके व्यू रिपोर्ट्स में जाके जो भी आपकी स्लिप है, चाहे वो एग्ज़ाम फॉर्म की स्लिप हो या डिग्री के लिए अप्लाई किया आपने या फिर मार्कशीट करेक्शन जिस तरह से भी हमने किया है वो अप्लाई किया हो आपने, तो हर कंडीशन में आप इसका स्लिप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट सर्विसेज में आप जाएंगे तो नीचे देखेंगे आप व्यू रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर आप जिसके लिए भी स्लिप निकालना चाहते हैं जिस एप्लीकेशन के लिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमने मार्कशीट करेक्शन के लिए तो उस पर आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आईडी सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इसका प्रिंट लेके आप रख सकते हैं जिसमें आप इसको स्टेटस ट्रैक करते रहें और आपके पास मार्कशीट करेक्शन का एक प्रूफ भी होगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान प्रोसेस था यहाँ पर RGPP की मार्कशीट करेक्शन कराने का। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी और आपके काम आई होगी। और अगर आप RGPP के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें भविष्य में अगर कोई नाम आपका, कोई डिटेल आपकी मार्कशीट में गलत होती है तो आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इसी तरह के हर इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।